नमस्कार, बहुत स्वागत आपका इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। रुक करेंगे आज की तमाम बड़ी खबरों का। छत्तीसगढ़ का सबसे पहले जिक्र, ईडी की बड़ी कार्रवाई यहां पर एक बार फिर से देखने को मिली है। ऑनलाइन सट्टा महादेव ऐप मामले को लेकर छापेमारी चल रही है। महादेव ऐप से जुड़े कई प्रमुख आरोपियों का पाकिस्तान और दुबई से भी कनेक्शन मिला है। राजनीतिक गलियारों में बेहद चर्चित नाम विनोद वर्मा के घर पर भी ईडी की छापेमारी। सीएम दफ्तर में कार्यरत वरिष्ठ अधिकारी मनीष बंछोर के घर पर भी छापामार कार्रवाई। आशीष वर्मा और कारोबारी विजय भाटिया के घर पर भी ईडी की टीम पहुंची। कई आरोपियों का नाम शराब घोटाले में भी सामने आया था। पिछले सप्ताह भी इसी मामले में कई अन्य आरोपियों के यहां पर छापामार कार्रवाई की गई। महादेव ऐप के मास्टरमाइंड रवि उप्पल के भाई रोहित उप्पल के घर पर भी छापेमारी हुई थी। सतीश चंद्राकर, गौरव चंद्राकर, चंद्रभूषण वर्मा, सराफा व्यापारी अनिल दमानी, सुनील दमानी के यहां पर भी रेड पड़ी। पिछले सप्ताह सर्च ऑपरेशन के दौरान तमाम सबूतों को इकट्ठा किया गया और उन्हीं सबूतों के आधार पर एक बार फिर से ये कार्रवाई छत्तीसगढ़ के अलग अलग जगहों पर। कार्रवाई का सिलसिला लगातार आगे बढ़ता हुआ। महादेव सट्टा ऐप जिसके खिलाफ लगातार ईडी की तरफ से नकेल कसे जाने की कोशिश, इससे पहले कई और राज्यों में भी आपने देखा होगा इसी तरह से कार्रवाई की जा रही है। छत्तीसगढ़ में भी इसलिए एक बार फिर से फोकस बढ़ता हुआ क्योंकि लगातार महादेव ऐप से जुड़े आरोपियों को पकड़ा जा रहा है। छापेमारी कुछ दिनों पहले भी हुई और इसी मामले से जोड़ते हुए इस बार की कार्रवाई को भी देखा जा रहा है। आज भी अलग अलग जगहों पर कार्रवाई का सिलसिला लगातार जारी। सहयोगी शंकर आनंद से हम ज्यादा जानकारी लेंगे। शंकर, क्या कुछ अपडेट इस कार्रवाई को लेकर अभी तक? देखिए, केंद्रीय जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के द्वारा आज जो है छत्तीसगढ़ में दर्जनों लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है और जो सर्च ऑपरेशन में कई जो आरोपी हैं उसका वास्ता सीधे तौर पर महादेव ऐप जो है, जो एक सट्टा ऐप के तौर पे जाना जाता है, तो उस एप्लीकेशन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग का ये मामला है। इसी मामले में आज सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। हालांकि शुरुआती तौर पे ऐसा कहा जा रहा था कि ये शराब घोटाला से मामला जुड़ा मामला है, लेकिन इसमें कई ऐसे आरोपी हैं जो जिसका वास्ता शराब घोटाले से भी जुड़ा हुआ मामला में उसका नाम सामने आया था और इसके साथ ही ऑनलाइन सट्टा कारोबार से जुड़ा हुआ जो महादेव ऐप है तो इस ऐप से जुड़े हुए मामले में भी उसका नाम सामने आया था। तो आज का जो सर्च ऑपरेशन है वो सर्च ऑपरेशन है महादेव ऐप का सट्टा कारोबार का मामले में। और जिस तरह से इस सट्टा कारोबार से जुड़े हुआ जो महादेव ऐप है इसका कनेक्शन की अगर बात करें तो इस मामले से जुड़े हुए जो मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है इसमें कई ऐसे आरोपी भी हैं जिसका कनेक्शन पाकिस्तान और दुबई से भी जुड़ा हुआ नजर आ रहा था। और एक कहा जा सकता है कि पिछले सप्ताह ही जिस तरह से जांच एजेंसी के द्वारा सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया गया उसी सर्च ऑपरेशन के दौरान में कई महत्वपूर्ण जानकारी निकली थी और उसी के बाद आज कई ऐसे बड़े आरोपियों के खिलाफ भी सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है जिसमें कि प्रमुख तौर पर विनोद वर्मा, मनीष बछोड़, विजय भाटिया हैं, इनके खिलाफ आज सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। और जिस तरह से बकायदा इस मामले में कहा जा रहा है कि जिस तरह से तफ्तीश का दायरा आगे बढ़ता जा रहा है कई आरोपियों की जो भूमिका है वो निकल के सामने आते जा रही है जिसके चलते कहा जा सकता है कि आने आने वाले वक्त में कई लोगों की मुश्किलें वो बढ़ सकती हैं। और खास तौर पर जिस तरह से महादेव सट्टा ऐप मामले में राजनीतिक कनेक्शन निकल के सामने आ रहा है और राजनीतिक हस्तियों से जुड़े हुए कई ऐसे लोग हैं जिसका सीधा तौर पर कनेक्शन इस मामले में जुड़ा है तो कहीं कहीं कहा जा सकता है कि शराब घोटाला एक मामला तो चल ही रहा था, उस मामले में कई आरोपियों की भूमिका निकल के सामने आई थी, लेकिन उसी आरोपियों में से कई आरोपियों का जो कनेक्शन है उसका नाम जो है इस महादेव सट्टा ऐप से जुड़ के आ रहा है सामने। तो एक तरह से कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में जांच एजेंसी ईडी के द्वारा ये बहुत बड़ी कार्रवाई है और इस कार्रवाई में इन तमाम आरोपियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन आज सुबह से 6 बजे से ही की जा रही है। चलिए देखने वाली बात की क्या कुछ खुलासे आगे होते हैं। बहुत शुक्रिया आपका शंकर इस पूरी जानकारी के लिए। और चलिए अब चर्चा करेंगे मिशन चंद्रयान 3 की, जिसकी सफलतापूर्वक लैंडिंग के लिए पूरा देश आज कामना कर रहा है। शाम 6:04 पर चांद पर लैंडिंग होने वाली है। विक्रम लैंडर चांद पर लैंडिंग करेगा और चंद्रयान 3 के लैंडिंग का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। लैंडर विक्रम में कमांड लोड किए गए हैं। इसरो ने विक्रम में कमांड लोड कर दिए हैं और लैंडर के सभी पैमानों की जांच अब भी लगातार जारी है। सफल लैंडिंग के लिए देश भर में पूजा अर्चना का दौर भी दूसरी तरफ लगातार बढ़ता हुआ। चंद्रयान 3 की लैंडिंग देखने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगातार सक्रियता से आगे, दक्षिण अफ्रीका से पीएम मोदी जुड़ेंगे और पीएम मोदी वर्चुअली इस पूरे कार्यक्रम को देखने वाले हैं।
यानी कि न सिर्फ देश की बल्कि प्रधानमंत्री की भी निगाहें आज चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग पर होंगी। सॉफ्ट लैंडिंग हो सके इसके लिए लगातार कामनाएं भी की जा रही हैं। अलग अलग जगहों से लगातार निकलकर इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। कुछ ग्राफिक्स के जरिए भी आप समझिए चंद्रयान 3 की लैंडिंग के क्या कुछ मायने हैं, कौन कौन से वो प्रमुख पहलू हैं जिन्हें लेकर लगातार नजरें बनी हुई हैं। लैंडिंग का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। इसरो के साइंटिस्ट लगातार विक्रम लैंडर को लेकर जांच पड़ताल में जुटे हुए, आने वाले समय में जिस ऑपरेशन को सफलतापूर्वक अंजाम देना है वहां तक विक्रम लैंडर को कैसे पहुंचाना है ये एक प्रमुख विषय। शाम 6:04 का समय तय किया गया है, उसके बाद ये माना जा रहा है कि 6:30 तक ये मिशन चलेगा, उसके बाद लाइव प्रसारण भी लगातार इसरो की तरफ से दिया जाएगा और हम ये समझ पाएंगे कि चंद्रयान 3 की लैंडिंग किस तरह से हुई है, आने वाले समय में चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के बाद क्या कुछ होना है इस पर भी सभी की नजर, क्योंकि ना सिर्फ भारत एक कीर्तिमान रचेगा साउथ पोल पर लैंड करने वाला सबसे पहला देश होगा, बल्कि उसके बाद जो डिस्कवरीज होंगी इसरो के साइंटिस्ट की तरफ से वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू भारत के लिहाज से। और चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के लिए पूजा पाठ का दौर लगातार जारी, बाबा महाकाल के दरबार में भी पूजा होने लगी है, भस्म आरती में श्रद्धालु शामिल हुए आज सुबह, पंडितों ने सफलता के लिए कामना भी की है। इंदौर में भी कुछ इस तरह का सिलसिला हमने देखा, खजराना गणेश मंदिर में भी 21 ब्राह्मणों द्वारा विशेष पूजन हवन किया गया, छतरपुर में भी मिशन की सफलता के लिए संकट मोचन मंदिर में हवन हुआ है। खंडवा की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर देवगढ़ मंदिर, यहाँ पर भी हवन पूजन का सिलसिला चला, भगवान से सफल लैंडिंग की कामना की गई है। लोगों ने मिशन चंद्रयान की सफलता पूर्वक लैंडिंग के लिए विशेष रुद्राभिषेक का भी आयोजन किया। खरगोन में भी महादेव से सफलता की कामना इस मिशन को लेकर, भोपाल में भी भगवान का रुद्राभिषेक किया है। यानी कि कुल मिलाकर हर राज्य में इसी तरह की तस्वीरें हैं, लेकिन अगर खास तौर पर हम बात मध्य प्रदेश की करें तो ये 6 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। और छतरपुर के संकट मोचन मंदिर में चंद्रयान की सफलता के लिए हवन हुआ है, कुछ और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, यज्ञ में आहूतियां दी गई और इसी प्रकार से अलग अलग तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। पहले आपने मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों की तस्वीरें देखी और अब आप देखिए कि पूरे देश में किस तरह का माहौल है। पुणे, सूरत, कोलकाता, नागपुर और बागेश्वर धाम, छतरपुर की भी ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। बहुत ही विशेष आयोजन हर जगह पर, हर समुदाय हर दल का व्यक्ति आज एक साथ मिशन चंद्रयान की सफलता के लिए कामना करता हुआ। पुणे में भी इसी तरह का नजारा, सूरत में भी देखिए हवन यज्ञ, कोलकाता में भी इसी तरह से मनोकामनाएं मांगी जा रही हैं भगवान से और नागपुर में भी कुछ यही स्थिति है। और छतरपुर की अगर खास तौर पर अगर हम बात करते हैं तो संकट मोचन मंदिर में चंद्रयान की सफलता के लिए हवन हुआ है, यज्ञ में आहूतियां देकर चंद्रयान की सफल लैंडिंग की कामना यहां पर भी लोगों ने की। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के लिए छतरपुर के इस प्राचीन मंदिर में हवन किया जा रहा है और हवन में यज्ञ में जो आहुतियां दी जा रही हैं उसके पीछे कामना यह है कि जो मिशन चंद्रयान 3 जो रिसर्च करने के लिए चंद्रमा पर गया हुआ है उसकी सफल लैंडिंग आज हो सके। और हमारे साथ यहां पर जो हवन कर रहे हैं पंडित जी हैं, उनसे जानना चाहेंगे इसके पीछे क्या उद्देश्य है, आप जो हवन करा रहे हैं क्या मंशा है इसके पीछे। चंद्रयान 3 लैंडिंग सफलतापूर्ण सिद्धार्थम द्वारा श्री भगवान गणेश विष्णु और सफलपूर्णतम हवन किया जा रहा है। ऐसा वेदों शास्त्रों में ऐसा है कि हवन करने से सफल होगा। हाँ, यज्ञ करने से हर चीज़ की सफलता प्राप्त होती है। तो देखिए ये थे बिल्कुल हमारे साथ पंडित जी और हम और बात करेंगे यहाँ पर हवन कर रहे हैं। परमार साहब आप बताइए किस तरह से आहुतियाँ किस मंशा के साथ दे रहे हैं। ये चंद्रयान जो अपना चंद्रमा पे लैंड होने वाला है उसके सफलतापूर्वक लैंडिंग के लिए हम सभी लोग यहाँ पर हवन कर रहे हैं कि जो वो सब अच्छी तरीके से लैंड हो जाए और अपन को जो सफलता चाहिए भारत को वो अवश्य मिल जाए। और ये पूजा पाठ से ही संभव होता है, जहाँ हमारे पूरे देश में ये हवन चलेंगे इसकी शक्ति निश्चित ही उसको अच्छे से लैंड कराएगी। हमारे साथ राजेंद्र अग्रवाल भी हैं, उनसे जानते हैं कि अध्यात्म के जरिए लैंडिंग को सफल करने के लिए कामना की जा रही है क्या उद्देश्य है। हमारा उद्देश्य है कि जो हमारे वैज्ञानिक दिनों रात जागकर अपने देश की तरक्की के लिए जो चंद्रयान 3 का इन लोगों ने चंद्रमा पर आज लैंडिंग होनी है तो उसकी सफलतापूर्वक लैंडिंग हो जाए, इसलिए हम लोगों ने एक धार्मिक आयोजन करके कि भगवान
उन लोगों ने जो मेहनत की है उनकी मेहनत को सफल करे वैज्ञानिकों को और हमारा देश ऐसे ही आगे बढ़ता रहे। तो देखिए बिल्कुल जिस तरह से छतरपुर के संकट मोचन मंदिर में यहाँ पर आहुतियाँ दी जा रही हैं हवन में, और कामना यह है कि जो मिशन चंद्रयान 3 है उसकी लैंडिंग सफलतापूर्वक हो सके। नरेंद्र सिंह परमार, News18 छतरपुर। और इसी तरह से ग्वालियर में भी चंद्रयान की सफलता के लिए प्रार्थना और दुआओं का दौर लगातार जारी है। लोगों ने रामेश्वरम नागदेव की पूजा की है, विधि विधान से दुग्ध अभिषेक करके आरती की गई। लोगों का कहना है कि दुनिया भारत का दम आज देख लेगी, भारत का गौरव दुनिया में बढ़ेगा और इसी के लिए ग्वालियरवासी लगातार प्रयासरत, क्योंकि अपने स्तर पर लगातार वो कोशिश कर रहे हैं, कामना कर रहे हैं कि भगवान उनकी मुराद जरूर पूरी करे और चंद्रयान 3 अपने इस मिशन में पूरी तरह से सक्सेसफुल हो। ये उनकी तरफ से दुआओं का दौर लगातार जारी है। ग्वालियर के अंदर भगवान रामेश्वर मंदिर पर चंद्रयान की 3 की सफलता पूर्वक साउथ में पोल पे लैंडिंग हो, इसको लेकर जो है हिंदू महासभा के सभी नेताओं ने आज रामेश्वर मंदिर पर जो है अपनी पूजा अर्चना की है। और भगवान की जिस पूजा अर्चना के लिए कार्य किया जाता है, स्वयं भगवान जो है उस कार्य को सफल करते हैं और भारत का विश्व गुरु जो भारत में बनेगा, ऐसी हमारी कामना है। भगवान इसको सफलतापूर्वक शाम को 6:00 कुछ मिनट पर जो है साउथ पोल पर उतारेगा। इस कामना को लेकर हिंदू महासभा ने यहाँ भगवान नागेश्वर का आज बुधवार है, बुधवार को नाग देवता का पूजन किया है। भोपाल में भी चंद्रयान को लेकर छात्रों में गजब का उत्साह है। रीजनल साइंस सेंटर में वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे गूंजे। स्टूडेंट्स ने कहा कि हमें पूरा भरोसा है कि चंद्रयान 3 सफल होगा। आज बेहद गर्व का दिन है, आज भारत का परचम चांद पर भी लहराएगा हमारा चंद्रयान 3। आज शाम को करीब 6:30 जब चांद की सतह पर पहुंचेगा तो वो जो गर्व के क्षण होंगे उसका हम सबको बेसब्री से इंतजार है। लेकिन हमारी चंद्रयान की सफलता के लिए लगातार दुआओं का दौर जारी है, उत्साह है, और मुझे आज ऐसा ही माहौल भोपाल में दिखाई दे रहा है जो 2011 में उस वक्त था जब भारतीय टीम वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंची थी और लोग जैसे चीयर कर रहे थे वैसा चीयर आज साइंस के लिए भी दिखाई दे रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट्स यहां पर मेरे साथ मौजूद हैं जो रीजनल साइंस सेंटर आज पहुंचे हुए हैं और यहां पर उन तमाम बारीकियों को समझ रहे हैं कि चांद पर किस तरीके की स्थितियां परिस्थितियां होती हैं। इनसे हम बात कर लेते हैं। आज इंडिया का फ्लैग जो है वो चांद पर भी होगा, चंद्रयान 3 आज चांद पर पहुंच रहा है, कितनी खुशी आपको? बहुत ज्यादा खुशी है क्योंकि आज हमारा देश बहुत ऊंचा हो जाएगा। अब वो चांद तक पहुंच गए, अब वो अगले दिन मार्स पे पहुंचेगा और भी बहुत सफलताएं प्राप्त करेगा। जैसे अभी रशिया का लूनर अभी फेल हो गया, क्रैश हो गया है, हमारे साइंटिस्ट ने इतनी बेसब्री से इतना मेहनत करी है, बहुत मेहनत की है। चांद पे जाना तो ठीक है लेकिन साउथ पोल में लैंड करना कितनी बड़ी बात? बहुत बड़ी बात है क्योंकि हम पहले हैं, हमारा पहला स्थान हमेशा गिनेगा, काउंट होगा, इसलिए हमें तो बहुत खुशी है। हाँ। बस, और हम बहुत खुश हैं जिसका अनुमान ही लगा सकते हैं क्योंकि हम पहला। और आपको ये भी बताएं कि चंद्रयान 3 को लेकर मुंगेली के लोगों में भी भारी उत्साह है। चंद्रयान की सफल लैंडिंग के लिए जिले के लोग विशेष पूजा अर्चना करने लगे हैं। लोरमी के हनुमान मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ किया जा रहा है, इसमें असम से आए भाजपा विधायक उत्तम पाल बोरा भी शामिल हुए। चंद्रयान की सफल लैंडिंग के लिए वो भी पूजा में शामिल हुए। मुंगेली जिले में भी चंद्रयान 3 को लेकर भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय वंदे मातरम, वंदे मातरम। देखिए आज चंद्रयान 3 का सफल लैंडिंग होना है शाम को 6:04 पर। हम सभी भारतवासियों की तरफ से दुआएं हैं और खास और चंद्रयान को लेकर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरफ से भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि आज इतिहास रचा जाएगा, पूरा भारत उत्सुकता के साथ इसका इंतजार कर रहा है। मैंने आपको कल ही कहा ना, चुनाव आता है तो कांग्रेस के अनेक मुखौटे धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, धार्मिक यात्रा की बात की जा रही है, कल सागर में कास्ट सेंसस की बात की गई, धर्म और जात का मुखौटा पहनने की आदत कांग्रेस की पुश्तैनी है।
और इस मुखौटे को उतार उतारने के बाद भी जो जनता ने उतारा है बारंबार, उसके बाद भी कांग्रेस सीख सीख नहीं पा रही है। और यही हाल नवंबर और दिसंबर के चुनाव में भी कांग्रेस का यही हाल। और इधर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने चंद्रयान 3 की सफलता की कामना की। अनुराग ठाकुर ने कहा कि भारत ने अंतरिक्ष क्षेत्र में बहुत बड़ी छलांग लगाई है। हम सभी उस पल का इंतजार कर रहे हैं जब चंद्रयान 3 मिशन सफल होगा। इससे भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों में शामिल हो जाएगा जिन्होंने अंतरिक्ष क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं। इस सेक्टर में भारत ने एक लंबी छलांग लगाई है और हम सब लोग उस पल का इंतजार कर रहे हैं जब चंद्रयान 3 सफल हो। ये भारत को दुनिया के गिने चुने 3-4 देशों में खड़ा कर देगा जिन्होंने स्पेस के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा योगदान दिया है। अगर आप हाल ही में देखें, कोविड के समय जब हमने अपनी स्पेस की पॉलिसी को बदलाव किया और प्राइवेट सेक्टर के लिए खोला, तो 12 महीने से कम समय के अंदर प्राइवेट सेक्टर ने अपना रॉकेट लॉन्च करके स्काईरड, और वो करके दिखा दिया कि भारत के प्राइवेट सेक्टर में भी कितनी क्षमता है। फिल्म अभिनेता अनुपम खेर ने भी चंद्रयान 3 की सफलता के लिए प्रार्थना की। अनुपम खेर ने अपने घर में चंद्रयान 3 की सफलता के लिए प्रार्थना की है और एक ट्वीट के जरिए अनुपम खेर ने यह भी बताया कि आज घर के मंदिर में चंद्रयान 3 की सफलता के लिए प्रार्थना की है। हमारे इसरो के वैज्ञानिकों के अथक प्रयत्नों के मेहनत जरूर रंग लाएगी, उनके लिए भी पूजा की। सभी देशवासियों को एडवांस में शुभकामनाएं और बधाई भी उन्होंने भेजी है और कुछ और हैशटैग्स जिसके जरिए भारत की सफलता की कामना करें। सभी भारतवासियों को अभी से ही शुभकामनाएं देना चाहता हूं और बधाई देना चाहता हूं कि आज 6:04 पर भारत इतिहास रचेगा और हमारा जो चंद्रयान 3 है वो मून पर के साउथ उस तरफ लैंड करेगा, क्योंकि भगवान जी ऐसा चाहते हैं, क्योंकि शिव जी ओम नमः शिवाय 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 ऐसा चाहते हैं, क्योंकि हनुमान जी ऐसा चाहते हैं, क्योंकि सारे देवी देवता ऐसा चाहते हैं, और 140 करोड़ हिंदुस्तान में रहने वाले भारतीय और ना जाने कितने करोड़ भारतीय जो हैं वो विश्व में रहने वाले सबकी प्रार्थना है, और ये प्रार्थना भगवान तक पहुंचेगी और चंद्रयान लैंड करेगा। और पाकिस्तान से आई सीमा हैदर ने भी चंद्रयान 3 की सफलता के लिए व्रत रखा है। सीमा का एक वीडियो सामने आया है, इसमें वो बता रही हैं कि चंद्रयान 3 के चंद्रमा पर सफल लैंडिंग के लिए उन्होंने व्रत रखा है। उनकी तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी चंद्रयान 3 की सफलता के लिए व्रत रखने की कोशिश की। सीमा ने कहा कि भगवान से प्रार्थना कर रही हूं कि मिशन चंद्रयान 3 सफल हो। मेरा स्वास्थ्य तो ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी मैं वर्क किए हूँ। भारत का चंद्रयान 3 आज शाम उतरेगा चंद्रमा पर, इससे हमारे भारत देश का बहुत नाम होगा। इसलिए मैं तब तक व्रत रखूंगी जब तक सफलता प्रूफ उतर नहीं जाएगा, तब तक मेरा व्रत है। मैं प्रार्थना कर रही हूँ भगवान से, राधे कृष्ण पर मेरा बहुत विश्वास है। ए प्रभु, ए भगवान, ए श्री राम, ए सभी देवी देवताओं, ए राधे कृष्ण, हमारे भारत देश का चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक आज चंद्रमा पर उतर जाए, इसके लिए हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी बहुत मेहनत कर रहे हैं। इससे हमारे भारत देश का बहुत नाम ऊंचा होगा, हमारे भारत देश का दबदबा दुनिया में बढ़ेगा। और मैं ये चाहती हूँ, मैं अपना वर्क तब खोलूंगी जब सफलता पूर्व उतर जाए। राधे राधे, राधे कृष्णा, राधे श्याम, राधे श्याम। और योग गुरु बाबा रामदेव ने भी चंद्रयान 3 मिशन की सफलता के लिए उत्तराखंड के हरिद्वार में पूजा अर्चना की है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के मुताबिक चंद्रयान 3 आज शाम लगभग 6:04 पर उतरेगा और इसे लेकर बाबा रामदेव की तरफ से भी प्रार्थना का दौर शुरू हुआ। Yeah.
सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, उनका भी हम रुक कर लेते हैं। वासु जो रहे हैं भोपाल से लाइव जुड़े हैं, अजय पटवाए उज्जैन से हमें जानकारी देंगे। वासु, कुल मिलाकर इंडिया पाकिस्तान के मैच जैसा माहौल नजर आ रहा है, क्योंकि भरपूर उत्साह लोगों में, भारतवासी एक बार फिर से एक साथ, इसे चंद्रयान सफल हो सके। वासु, लोग काफी उत्साहित भी हैं, ये प्रार्थनाएं भी कर रहे हैं, दुआएं भी कर रहे हैं कि चंद्रयान सफल हो। चंद्रयान टू की सफलता से हमने जरूर सबक लिया है, और अब पूरे देश की दुआएं प्रार्थना है, और बहुत बड़े पैमाने पर ये दुआएं प्रार्थना है, और चाहे आम आदमी हो या खास हो, सभी लोग ये चाहते हैं कि चंद्रयान चांद पर भारत का परचम लहरा कर ये आए। तो आप देख सकते हैं कि जो तस्वीरें पूरे देश और दुनिया से सामने आई, कुछ ऐसी तस्वीरें भोपाल में भी हैं, और भोपाल में खासतौर पर इंतजाम किए गए हैं रीजनल साइंस सेंटर में, जहां पर एनिमेशन फिल्म के जरिए, 3D मॉडल के जरिए लोगों को यह समझाया जाएगा कि किस तरीके से चंद्रयान काम करेगा, और उसके जो रिजल्ट्स निकल कर आएंगे वो कितने प्रभावी रहेंगे। रीजनल साइंस सेंटर का जो स्टाफ है वो भी इस वक्त मेरे साथ है। आज कैसे आप लोग यहां पर जो विजिटर्स आ रहे हैं उनको बता रहे हैं चंद्रयान के बारे में? ये जो चंद्रयान 3 का प्रपल्शन मॉड्यूल देख रहे हैं यहाँ पे, स्केल डाउन मॉडल, ये हमारे यहाँ 1 मंथ 8 डेज तक रखा गया है। यहाँ पे डेली हम इसको टूर देते हैं लोगों को, जनरल विजिटर्स को, स्कूली बच्चों को इसके बारे में बताते हैं कि चंद्रयान 3 की बेसिकली क्या करने गया है। 3rd लूनर मिशन है, पहला सक्सेसफुल गया, दूसरा माइनर फेल हुआ था, बाकी वो सक्सेसफुल ही था, क्योंकि उसका ऑर्बिटर आज भी चंद्रयान मून की सरफेस पे अभी भी घूम रहा है, सिग्नल हमें सेंड कर रहा है। तो चंद्रयान 3 में आप देख रहे हैं 3 प्रपल्शन मॉड्यूल है, लैंडर एंड रोवर एंड प्रपल्शन मॉड्यूल। आपसे जानना चाहूंगा कि आज क्या खास तैयारी है यहाँ पे, जब चंद्रयान लैंड करेगा उस दौरान 5:30 से 6:30 बजे तक का जो समय रहेगा, कैसे आप लोग यहाँ पे लोगों को प्रेजेंट करेंगे और कैसे बारीकियां बताएंगे? सर, जैसे कि रीजनल साइंस सेंटर में आप देख ही रहे हैं, बड़ी सी स्क्रीन लगाई गई है, और जो यहाँ पे जो टाइमिंग है लैंड होने का, वहाँ पे पूरा हम यहाँ पे लाइव दिखाएंगे, लाइव स्ट्रीमिंग होगी, सबकी पूरी भारतवासियों की नजर है इस पे, और हम लोगों की भी, स्कूल बच्चों की है, जो ये मॉडल देखते हैं वो सीखते हैं इससे, बाकी यहाँ पे बहुत सारी पॉपुलेशन आने वाली, बहुत सारी जनता आने वाली है। ऐसा माहौल जैसे 2011 में था, जब भारत फाइनल मैच खेल रहा था और जैसे लोग चीयर कर रहे थे, वैसे ही सारे लोग यहाँ पे आके चीयर कर रहे हैं, भारत माता की जय, वंदे मातरम के नारे लग रहे थे। निश्चित रूप से सर, हम बहुत हतोत्साहित हैं सर, बहुत माहौल जो है सर बहुत बढ़िया है सर, हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं, और इंतजार है सर बेसब्री से 6:04 का सर, जब हम इतिहास रखने जा रहे हैं अंतरिक्ष की दुनिया में। बात करें पूरे ही देश में आज नजर आता हुआ, और खासतौर पर यहाँ पर भी बच्चों को समझाया जाएगा क्या कुछ होना है। वासु, बने रहेगा हमारे साथ। अजय पटवा की ओर हम रुक कर लेते हैं, उज्जैन से हमारे साथ लाइव लगातार जुड़े हुए हैं। अजय, उज्जैन वासी क्या कुछ सोच रहे हैं चंद्रयान 3 को लेकर, वहां पर भी प्रार्थना का दौर जारी? जी देखिए, 14 जुलाई को जब चंद्रयान 3 की, जब इसरो ने जो है छोड़ा था रॉकेट को, इसके बाद उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर और सांदीपनि आश्रम में भी इसके लिए लेकर पूजा पाठ हुई थी, और साथ ही इसरो के जो चेयरमैन हैं एस शंकर सोमनाथ जो उज्जैन आए थे, उस दौरान उन्होंने बाबा महाकाल के दर्शन किए थे, सांदीपनि आश्रम गए थे, इसके साथ ही जंतर मंतर भी आए थे यहाँ पर जो है जीवाजी वेधशाला पे आकर उन्होंने जानकारी ली थी। हमारे साथ में जीवाजी वेधशाला के अधीक्षक हैं मोहन गुप्त जी, उनसे हम जानना चाहेंगे कि जब एस शंकर आए थे तो उन्होंने भी जो है माफ़ जी आपको रोक रहे हो अजय जी, लगातार जारी रखेगा बातचीत। इस बीच सीधे शहडोल की ओर भी रुक करेंगे, क्योंकि सीएम शिवराज सिंह चौहान का रोड शो वहां पर लगातार जारी है। लाइव तस्वीरें दर्शकों को दिखाएंगे अब शहडोल से, ये देखिए तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का काफिला, आज कई सारे विकास कार्यों की सौगात आज मुख्यमंत्री को देनी है, और ये रोड शो यहां से इसका आगाज पूरा है। विकास पर्व जिसके तहत हर जिले में मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं, विकास कार्यों की सौगात तो देते ही हैं, जनता को संपर्क बनाने की कोशिश, जनता को साधने की कोशिश आप कह सकते हैं बीजेपी की जमीनी स्तर पर नजर आती हुई। एक बार फिर से एक और जिला जहां मुख्यमंत्री पहुंचे हैं, एक और बड़ा सौगातों भरा दिन शहडोल वासियों के लिए हो सकता है। इससे पहले कई सारे केंद्रीय नेताओं का दौरा यहां पर हो चुका है, तब भी सौगातों भरा दिन रहा, और अब चूंकि विकास पर्व के तहत मुख्यमंत्री जा रहे हैं हर जिले में, तो विकास कार्य की सौगात देना लाजमी सी बात। शहडोल से लाइव तस्वीरें, बहुत बड़ी संख्या में लोग, एक बार फिर से आप देख रहे हैं उसी तरह की तस्वीरें, मुख्यमंत्री के काफिले का हिस्सा बनते हुए, सड़कों के दोनों ओर प्लेटफॉर्म की व्यवस्था जिससे मुख्यमंत्री को और करीब से देख पाए सभी, पुष्प वर्षा कर शहडोल वासियों का स्वागत, हाथ हिलाते हुए अभिवादन करते हुए मुख्यमंत्री।
और हर एक व्यक्ति सिर्फ मुख्यमंत्री की एक झलक पाने को आतुर। तस्वीरें आप देखिए, बहुत बड़ी संख्या में लोग आज उमड़ आए हैं प्रदेश के मुखिया को देखने के लिए, उनके स्वागत के लिए। पुलिस बल बहुत बड़ी संख्या में तैनात, क्योंकि लोग भी बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री का ये काफिला लगातार आगे बढ़ता हुआ, राज्य स्तरीय कार्यक्रम भी आज शहडोल में है, बच्चों को भी सौगात देने वाले हैं आज मुख्यमंत्री। लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें जो बहुत खास हो जाती हैं शहडोल के लिहाज से, सामने आप देखिए तमाम संस्कृतियों की झलक आपको नजर आएगी। आदिवासी सभ्यताओं और परंपराओं के जरिए स्वागत मुख्यमंत्री का शहडोल में किया जाता है। इससे पहले जब प्रधानमंत्री यहाँ पहुंचे थे, तब भी आपने इसी तरह से रंग बिरंगी तस्वीरें देखी होंगी, और जब जब मुख्यमंत्री शहडोल पहुंचते हैं तब भी उसी परंपरा के तहत यहाँ उनका स्वागत होता है। काफिला लगातार आगे बढ़ता हुआ, कुछ ऐसे भी लोग जो कि बीजेपी का झंडा लिए आगे चल रहे हैं चुनावी साल, क्योंकि बैठकों में जिस तरह के विकास पर्व का तय हुआ वो अब लगातार अलग अलग जिलों में नजर आता हुआ, निवाड़ी, बड़वानी, इससे पहले कई और तस्वीरें अन्य जिलों की आपने देखी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, देखते रहिए न्यूज़ 18।